गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, अब हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बचे हुए टॉपिक्स के विषय में डिस्कशन करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जो विभिन्न हमारे क्षेत्र हैं देश के, उनमें डाइवर्सिटी के आधार जो हैं वो हैं जो ये जो बंटवारा हुआ है पौधों का, उनके मौसम के अकॉर्डिंग हुआ है। और ये पैटर्न दो प्रकार के हैं। फर्स्ट पैटर्न इज नोन एज खरीफ क्रॉप एंड सेकंड पैटर्न इज नोन एज रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप क्या है? द क्रॉप व्हिच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ऐसे फसल जिनको बरसात के दिनों में बोया जाए वो क्या कहलाता है? खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, पैडी में सोयाबीन ग्राउंडनट कॉटन एटीसी आर खरीफ क्रॉप। ठीक है, मतलब जो बरसात में बोया जाए वो क्या कहलाएगा? खरीफ क्रॉप कहलाएगा। दीज आर नोन एज खरीफ क्रॉप। एंड सीजन इन इंडिया कब से कब तक होता है? जून टू सेप्टेम्बर। मेनली क्रॉप्स कौन कौन से हैं उनमें? पैडी है, धान है, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, कॉटन है, ये सब खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, अब आते हैं रबी क्रॉप पे। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। Their time period is generally from October to March. Example of rabi crop are wheat, gram and pea and mustard are and linsed. अब जो फसल जाड़े के सीजन में बोया जाए वो क्या कहलाता है? रबी क्रॉप कहलाता है। इसका जो काल होता है वो अक्टूबर से मार्च तक होता है। इसमें इसकी जो मुख्य फसलें हैं, गेहूँ है, चना है, मटर है, मस्टर्ड है, लिंज्ड है। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। लेकिन जो कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पे जो चर्चा किया गया है वो जो कुछ क्षेत्र जैसे पहाड़ी इलाके हैं, शिमला हो गया, उत्तराखंड के कुछ इलाके हो गए, वहाँ गर्मी के दिनों में भी ठंडा पड़ता है, तो वहाँ ये फसलें बोई जाती हैं गर्मी के दिनों में। अब आते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्या क्या भाई आपको क्रॉप प्रोडक्शन में कौन कौन से मुख्य भाग हैं, किन किन बातों की आपको सावधानी रखती हैं, उसके विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। अब भूजो थोड़ा वंडर हो रहा है इसमें, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। पूछ रहा है कि क्यों जो है कि जाड़ों के दिनों में क्यों नहीं धान का फसल उगाया जाता है। आप लोग जानते हैं और रूरल एरियाज के सभी हमारे बच्चे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो धान की फसल होती है वो बारिश के दिन में होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये ज़्यादा पानी चाहने वाली फसलें हैं। धान के खेत में लगभग आप देखेंगे 2 से 3 सेंटीमीटर पानी, या आप सेंटीमीटर मत जानिए, आप जानिए कि खेत में लगभग हरदम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, अब समझ गए होंगे। अब तो पहली कह रही है पैडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। पहली कह रही है इसे जो है कि ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, इसलिए इसे केवल बरसात के दिनों में उगाया जाता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर दोज कैरिड आउट बाय गार्डेनर इवन बाय यू व्हेन एंड ग्रोन एन ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। अब पहली कह रही है कि
जब आप फसल को उगाते हैं तो उसमें बहुत सी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। आप जो है कि इन प्रक्रियाओं को कभी कभार अपने माली के द्वारा देखा होगा। देन वेन यू ग्रोन ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस, दीज एक्टिविटी आर टास्क आर रेफर्ड टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एक्टिविटी आज रजिस्टर्ड बेलो। यदि आप कोई सजावटी पौधा अपने घर में उगाते हैं, काफ़ी बच्चों को शौक़ होता है कि वो गार्डनिंग करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आइए बच्चों, हम जानते हैं किस प्रकार हमें कोई पौधा या फसल लगाने के लिए, फसलों को लगाने से पहले कौन कौन सी तैयारी करनी होगी। फर्स्ट जो आपकी टॉपिक रहेगी प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी की तैयारी। सेकेंड है सोइंग, मतलब बिजाई, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, खाद तथा उर्वरक का जो है कि किस प्रकार आप मिट्टी मिलाएंगे उसको, आप खाद तथा उर्वरक का छिड़काव, इरिगेशन सिंचाई, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेड, आपको किस प्रकार से अपने फसलों को खरपतवार से बचाना है, दैट मीन्स निराई या निकाई, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, स्टोरेज दैट मीन्स भंडारण। आते हैं बेटा टॉपिक पे, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। व्हाई द क्रॉप नीड अ प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, क्यों पौधों को क्यों मिट्टी की तैयारी की आवश्यकता है, क्यों फसलों के उगाने में मिट्टी की तैयारी का क्या महत्व है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉयल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर अ ग्रोइंग क्रॉप। जो मिट्टी की तैयारी है वह जो है कि ये पहला जो कार्य है जो कि किया जाता है पौधों को उगाने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न टू सॉयल एंड लूजन इट द अलाउ टू रूट पिनिट्रेट डीप इन टू द सॉयल। बेटा मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप लोग पढ़ेंगे। मैं इतना बता देता हूं कि मिट्टी की तैयारी की आवश्यकता क्यों होती है। पहली जो बात है, मिट्टी को ढीला बनाना आवश्यक है किसके, फसलों के जड़ों के विकास के लिए। दूसरी जो बात है, यदि आप मिट्टी की तैयारी नहीं करते हैं, आप उसको खुदाई नहीं करते हैं, आप उसकी जुताई नहीं करते हैं, तो मिट्टी में खरपतवार की अधिकता हो जाएगी। तीसरी जो बात है, मिट्टी आपका जो है कि मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ये जो मुख्य फैक्टर हैं। और फिर एक टॉपिक है द लूज सॉयल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रो प्रेजेंट इन द सॉयल। आपके टॉपिक में ये एक भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि मिट्टी को जब हम लूज करते हैं तो अर्थवर्म, किसान मित्र केचुआ और सूक्ष्मजीवी माइक्रोब्स, जिनको कि हम लोग नग्न आँखों से, नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोब्स वो है जो कि बच्चों आपके खेत में चीज़ों को सड़ाने का कार्य करता है। यदि आप देखे होंगे कि फसलों के अवशेष जो हैं वह फसलों को काटने के बाद आपके खेतों में बच जाते हैं, तो उन अवशेषों को कौन नष्ट करता है, अवशेषों को बच्चों, सूक्ष्मजीवी माइक्रोब्स, वो जो कि उनको नष्ट करके ह्यूमस के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अब आते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट क्या है बेटा, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। किस प्रकार से कृषि में बदलाव हुआ, कृषि में सुधार हुआ। अब आते हैं थोड़ा सा मुख्य टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। बिफोर अ सोइंग अ सीड इट इज़ अ नेसेसरी टू ब्रेक सॉयल क्लम्प टू बेटर एलिट दिस डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। बीजों को बोने से पहले
ये बहुत आवश्यक है कि मिट्टी की जो पहली परत है उसको तोड़ दिया जाए, अर्थात उसकी जुताई कर दिया जाए, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज इज द प्लाउ, हो एंड कल्टीवेटर। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है इसको जो है कि खेतों की जुताई का मुख्य उद्देश्य है, इसमें किस प्रकार के हल और क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। आइए आते हैं जुताई के विषय में। जुताई का थोड़ा सा हिस्ट्री के विषय में चर्चा करते हैं बच्चों। प्लाउ दिस इज अ बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉयल, एडिंग फर्टिलाइजर टू क्रॉप, रिमूविंग द वेड, द टर्निंग ऑफ सॉयल, फेयर ऑफ बुल्स आर अदर एनिमल हॉर्सेस एंड कैमल। इट इज कंटेन अ स्ट्रांग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड अ प्लाउ शेयर। द मेन पार्ट ऑफ प्लाउ इज द लॉन्ग लॉज ऑफ वुड, इज कॉल्ड अ प्लाउ शाफ्ट। दे आर ए हैंडल एट द एंड ऑफ शाफ्ट, अनदर इज अटैच टू ए बीम विच इज ए प्लेस ऑन बुल नेक ऑन अ नेक एंड मैन आर इजिली ऑपरेट टू प्लाउ। फिगर में आप लोग 1.1 में देखिएगा, प्लाव के विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। प्राचीन काल में बच्चों, आपके फिगर में 1.1 दिया गया है, ये देखिए आपका फिगर है, जिसमें कि क्या होता था कि एक लकड़ी का लट्ठा रख दिया जाता था और उसको शाफ्ट के द्वारा जोड़ के मिट्टी की जुताई दो जोड़ी बैलों के सहायता से की जाती थी। लेकिन आज के मॉडर्न युग में इनका स्थान मशीनों ने अर्थात कल्टीवेटर। अब हो देखते हैं बेटा, इट इज अ सिंपल टू विच इज यूज टू रिमूविंग वेड लूजिंग द सॉयल। इट हैज अ लॉन्ग ऑफ फूड आयरन, ए स्ट्रांग बोर्ड बेंट प्लेट आयरन फिक्स्ड ऑन इट्स एंड एंड वर्क लाइक ब्लेड। इट इज ए पुल्ड बाई एनिमल। इसको बेटा जब थोड़ा सा हमारा विकास हुआ, ये देखिए हो का फिगर है, इसमें जो कि एक देखिए लोहे की ब्लेड लगी हुई है, इसमें लोहे की ब्लेड जो है कि लगी हुई है, ये देखिए एक लोहे का ब्लेड लगा हुआ है जिसको कि एक हैंडल की सहायता से जोड़ा गया है। फिर ये जो है कि एक ग्रिप है और इसको जो है कि पुनः जो है कि एक जो है कि एनिमल्स के द्वारा जोड़ के, यहाँ से एनिमल्स के द्वारा जोड़ के इसको खींचा जाता था, इस तरीके से ये हुआ। अब कल्टीवेटर के विषय में थोड़ा जानते हैं। कल्टीवेटर नाउ अ डे अप्लाइंग डन बाय ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर यूज्ड प्लाउइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। तो कल्टीवेटर जो है कि आज के आधुनिक युग में, आपने ट्रैक्टर देखा होगा जो पीछे हल है उसका नाम कल्टीवेटर है, इससे दो फायदे हुए हैं, सेव लेबर एंड टाइम, जो हमारा लेबर खर्च है वो बचा, एंड नेक्स्ट पार्ट इज टाइम। सोइंग क्या है बिजाई? सोइंग इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड आर सेलेक्टेड, गुड क्वालिटी सीड आर क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ द गुड वेराइटी। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड विच गिवन हाइल्ड। प्यारे बच्चों, कृषि में बिजाई का मुख्य रोल है, उसमें जो है कि पौधों के समुचित विकास के लिए बीजों का चुनाव बड़ा आवश्यक है। जैसा ही आप बीजों का चुनाव करेंगे, वैसे ही अच्छी धान की या किसी भी फसल की आपकी नर्सरी लगेगी या अच्छा पौधा मजबूत होगा। ऐसा नहीं कि अनहेल्दी जो है कि आप सीड का सिलेक्शन कर लिए और उसका जो है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिससे कि आपको क्या होगा बच्चों, लॉस होगा। अरे बच्चों,
पहली वंडर वनडे ईसा माय मदर पुट ऑन सम ग्राम सीड इन वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम आफ्टर अ फ्यू मिनट सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप आई वंडर व्हाई सम सीड फ्लोट ऑन वाटर। पहली जो है कि एक एक्ट पेश कर रही है आपके सामने कि एक दिन उसने अपने माताजी को देखा कि घड़े में उन्होंने पानी को भरा, उसमें कुछ चने के बीजों को लिया और डाल दिया और वो देख के आश्चर्यचकित हो गए, कुछ चने के बीज जो हैं कि वो जो है तैरने लगे। वाई ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बच्चों इसलिए हो रहा है, ये जो है चने की सॉरी किसी भी फसल की बुआई करने की एक ट्रेडिशनल विधि है। जो भी बीजों में कीड़ा लगा रहेगा, कोई प्रॉब्लम रहेगा, वो सतह पे आ जाएगा। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं, एक्टिविटी आपको अपने घर पे करना है, टेक ए बीकर एंड फिल, इससे आप लोग को सेटिस्फाइड होने के लिए कि जो चीज़ें कही जा रही हैं क्या सही तो हैं। टेक ए बीकर एंड फिल हाफ टू इट विथ वाटर, पुट एंड हैंडफुल ऑफ वीट सीड एंड स्टेयर वेल, वेट ऑफ सम टाइम। आपसे कह रहा है कि एक बीकर लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें जो है कि एक मुट्ठी भर क्या करिए गेहूं के बीजों को डाल दीजिए, क्या देखिए और कुछ टाइम तक इंतजार करें। आर दे आर सीड विच द फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज द लाइटर एंड हैवियर दोज विच आर सिंग, वाई वुड बी देयर एंड बाई लाइटर डैमेज सीड बिकम हालाओ आर दस एंड लाइटर देयरफॉर देन फ्लोट ऑन वाटर। आपसे कहा जा रहा है कि आप जब देखेंगे ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करेंगे आप लोग, तो आप लोग देखेंगे कि जो बीज सतह पे आ जा रही है वो या तो खोखली है, डैमेज्ड है, और जो सीधे जो हैवी है सीड वो जाके तल पे बैठ जाएंगी। ठीक, दिस इज ए गुड मेथड फॉर द सेपरेटिंग अ गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज्ड वन। बिफोर सोइंग वन द इम्पॉर्टेंट टास्क टू नो अबाउट द टूल यूज्ड सोइंग सीड। अब अगला जो हमारा टास्क है वो है आगे जो अब टॉपिक है, ट्रेडिशनल टूल्स, परंपरागत जो हमारे टूल्स हैं, जो यंत्र हैं उसके विषय में शॉर्ट में बताता हूँ मैं। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज द शेप लाइक अ फनल, द सीड आर फिल्ड इन टू द फनल पास दो द टू थ्री पाइप्स हैविंग अ शार्प एंड डीज इन द प्रसर इन द सॉयल ऑफ द प्लेस सीड देयर। अरे बच्चों, परंपरागत विधियों से जो बिजाई की जाती है वो हल के नीचे दो तीन पाइप लगाए गए होते हैं और उसमें कीप के आकार का कीप ही समझ लीजिए, कीप फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से सीड डाला जाता है और ये प्रक्रिया जो है कि बिजाई में उपयोग की जाती हैं। सीड ड्रिल, नाउअडेज सीड ड्रिल यूज्ड आर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। सीड ड्रिल के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। सीड ड्रिल आज के दिनों में आपने सीड ड्रिल को देखा है जो कि बिजाई के लिए उपयोग किया जाता है। इसके फायदे क्या हैं? फायदे के रूप में ये रहता है कि जो पौधों से पौधों की दूरी रहती है वो समान रहती है और खाद तथा उर्वरक भी कम लगता है और जिस प्रकार से जो सीड बर्बाद हो जा रहे थे, जो बर्ड्स वगैरह उसको चुग ले रही थी, वो बर्बादी आपकी नहीं हो पाएगी। अब जो अगला टॉपिक है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर के विषय में। मैन्यूर वो है बच्चों जो कि कार्बनिक खाद होता है, प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाने वाला खाद है। फर्टिलाइजर वो है बच्चों जो रासायनिक विधियों से फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, वो फर्टिलाइजर है। आइए, क्या ज़रूरत है इस टॉपिक को पढ़ने की हम जानते हैं। बुझो वंडर है, आई सा हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट वेयर वीक, वाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर। बुझो आश्चर्यचकित है देख के अपने आसपास के फार्म को कि किस प्रकार से यहाँ के जो पौधे हैं क्यों इतने वीक हैं जबकि कुछ पौधे काफ़ी मजबूत हैं।
प्यारे बच्चों, खाद की क्यों आवश्यकता पड़ती है? पौधों में जो अतिरिक्त मांग होता है उसको हम खाद तथा उर्वरक के रूप में पूर्ण करते हैं। तो कह सकते हैं सॉयल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट टू क्रॉप प्लांट, दीज न्यूट्रिएंट आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। अगला जो मैन्यूर के विषय में एक है, मैन्यूर इज एन अनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सबस्टेंस ऑब्टेंड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ द डिकम्पोज। इस प्रकार से जो किसान होते हैं वो जो है कि पौधों के बचे हुए अवशेष, गाय का गोबर, काऊ डंग इत्यादि को इकट्ठा करके जब माइक्रोब्स हैं वो डिकम्पोज करके खाद के रूप में परिवर्तित करनी है करते हैं। आपने कक्षा 6 में इसके विषय में पढ़ा होगा। खाद की पौधों को क्यों आ सकता है, इसका आप एक प्रयोग के रूप में कर सकते हैं। 3 बीकर ले लीजिए या 3 प्लास्टिक का ग्लास ले लीजिए। आप में एक्टिविटी कराया गया है, घास का नामकरण ABC के रूप में कर दीजिए। ग्लास ए में आप खाद डालिए, बी में उर्वरक डालिए और सी में किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ मत डालिए। इसमें बुक में मूंग के बीज का चुनाव किया गया है और इस प्रकार से जब आप रिजल्ट ऑब्जर्व करेंगे तो बच्चों आपको पता चलेगा कि जिसमें खाद डाला गया है उसमें पौधे का विकास सामान्य है और जिसमें उर्वरक डाला गया है उसका विकास अच्छा है, बल्कि सी वाला ग्लास जो है उसका विकास काफ़ी कम है। तो रिजल्ट क्या निकला, इन विच ग्लास द ग्रोथ फास्टेस्ट फर्टिलाइजर आर केमिकल विच आर रीच अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। जिस प्रकार से जिस ग्लास में उर्वरक का उपयोग किया गया था उस ग्लास के विकास सबसे अच्छी है, क्यों हुआ ऐसा आइए जानते हैं। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, खाद में नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, NPK और पोटास भी होता है, और चूंकि यह फैक्ट्रियों में तैयार किया गया होता है तो इसमें अत्यधिक मात्रा में इसको मिला दिया जाता है और खाद में बहुत ज़्यादा मात्रा देने पर भी वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं, इसलिए इसका विकास काफ़ी तेजी से होता है, लेकिन यह हमारे मिट्टी के लिए हानिकारक है। आइए जानते हैं डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, किस प्रकार से खाद तथा उर्वरक में अंतर है। फर्टिलाइजर इज मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट, यह जो है कि जो उर्वरक होता है यह मनुष्य द्वारा निर्मित कार्बनिक तरीकों से बनाया गया पदार्थ है। मैन्यूज इज नेचुरल सबस्टेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डग एंड प्लांट रिड्यूज। और खाद जो है कि जो पशुओं का डग है, गोबर है, जो भी पौधों के बचे अवशेष है उसको इकट्ठा कर बनाया जाने वाला पदार्थ है। हमारा इरिगेशन है, सिंचाई क्या है, सिंचाई की क्यों आवश्यकता है। ऑल लिविंग बींग नीड वाटर टू लिव, वाटर इज इम्पॉर्टेंट एंड प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रत्येक सजीव को जीने के लिए जल की आवश्यकता है, उसी प्रकार बच्चों पौधों को भी जल की आवश्यकता है। एक जो नियमित अंतराल पर पौधों के जल मांग के हिसाब से जो भी जल हम देते हैं वो सिंचाई कहलाता है। कह सकते हैं द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड एरीगेशन। द टाइम और फ्रिक्वेंसी ऑफ एरीगेशन वेरीज फ्रॉम द क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अर्थात पौधों के अनुसार, फसलों के अनुसार और मौसम के अनुसार विभिन्न पौधों के जलमांग अलग अलग हैं। आइए जानते हैं कि इनके क्या क्या स्रोत हैं। इनके स्रोत कुएं हैं, ट्यूबवेल हैं, तालाब हैं, झील हैं, नदियां हैं, डैम हैं और नहर हैं। बच्चों आइए
ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के कुछ परंपरागत नियंत्रों के विषय में चर्चा करते हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक एंड कैनल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू फील्ड, कैटल आर ह्यूमन लेबर इज यूज टू दीज मेथड। अर्थात कहने का मतलब है, जो भी प्राकृतिक जल विद्यमान है उसको विभिन्न विधियों द्वारा जो उपयोग विभिन्न विधियों द्वारा जिन यंत्रों का उपयोग करके उस जल को यूज में लिया जाता है वो परंपरागत विधियां हैं। पहली जो विधि है मोट, इसे पुली सिस्टम कहते हैं। इसे मैं आपको थोड़ा सा नोटिफाई कर देता हूं बच्चों। ये जो है कि ये चेन सिस्टम है, ये मोट सिस्टम है, और ये बच्चों ढेकली जिसको कहते हैं ये सिस्टम है। इसके विषय में आप लोग अपने घर में चर्चा करेंगे, पूछेंगे, आपको बताया जाएगा। आते हैं थोड़ा मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम के विषय में, जिसका आजकल उपयोग किया जाता है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस यूज वाटर इकोनॉमिकली, द मेन मेथड यूज आर फैलो। इसका जो है कि उपयोग